साथियों प्यार भरा नमस्ते, मैं हूँ शालिनी वर्मा द लोटस रेकी एंड स्पिरिचुअल हीलर, द हीलर शालिनी वर्मा, दोनों मेरे ही चैनल्स हैं। तो अपने दोनों परिवारों का मैं स्वागत करती हूँ। आज आपको बताने जा रही हूँ सिनेमन स्टिक के कुछ ऐसे रिचुअल्स जो बहुत इजीली आप अपने घर में करेंगे, और इतने आसान रिचुअल्स हैं जिनको करके आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। किचन में खड़े होकर बना रही हूं क्योंकि जब भी फायर का काम करते हैं तो यही बनाती हूं। सेफ्टी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोगों को भी ध्यान देकर अच्छे से रिचुअल्स करनी है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहली चीज प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, आपके लिए प्रोटेक्शन जब इशू हो, आपको लग रहा है कि लोगों की बुरी नजर मुझे परेशान कर रही है, मेरे घर पे बुरी नजर लग जाती है, सब लोग बीमार रहते हैं, या कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा हो, बाहर से निगेटिविटी आ रही है, जब आपको ऐसा फील होने लगे कि मेरे घर में निगेटिविटी ज्यादा है, आप क्या करेंगे? सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। दालचीनी मैंने पाउडर फॉर्म में भी ली है और स्टिक में भी, तो आपको दोनों अपने घर में हमेशा रखना है क्योंकि मैं हमेशा रिचुअल्स इनके बताती ही रहती हूँ। सॉल्ट हुआ, दालचीनी हो गई, तेज पत्ता हो गया, इनके इतने सारे रिचुअल्स होते हैं कि हर जगह इस्तेमाल होता है। तो आपने क्या करना है, दालचीनी की ऐसी स्टिक्स ले लेनी है, 9 स्टिक लेंगे, ठीक है, याद रखना है 9 हमने स्टिक ली है, गिन लेना इस तरह से, 9 आपने स्टिक ले ली। 9 स्टिक लेने के बाद लाल रंग के धागे में इसको आपको बांध देना है, या तो आप इसको लाल रंग की डोरी से कस के बांध दें, या फिर लाल रंग के कपड़े में आप इसको बंद कर दें, 9 को पोटली जैसी बना के बंद कर दें, घर के मेन डोर पे इसको हैंग कर देना है। मेन डोर पे मतलब मेन डोर के आसपास कर दें, ऊपर कर दें, कहीं पर भी मेन डोर के आसपास कर दें, कोई निगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी, इस विश्वास के साथ, इस इंटेंशन के साथ। देखिए हर चीज में ना इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दालचीनी सबके घर में है, जब तक आपने उस इंटेंशन से किसी चीज को उठाया नहीं है कि ये चीज मुझे क्या देगी, तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, हमेशा याद रखना। तो 9 दालचीनी अच्छे से बांध के, अच्छे इंटेंशन के साथ, या पोटली बना के मेन डोर पे आपको हैंग कर देना है, पूरी तरह से आप और आपका परिवार रहेगा सुरक्षित। तो सुरक्षा के लिए ऐसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने क्या किया, दालचीनी का ये पाउडर फॉर्म भी है, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में भी कहा था कि दालचीनी आप पाउडर जरूर घर में सब लोग रखें, अगर नहीं है तो आप ये वाली स्टिक को पीस कर पाउडर बना लें तब भी चलेगा। अब आपने क्या किया, इस उंगली से इसमें लिख दें 8 8 8 और 8, डबल 8 नंबर, ठीक है, क्या नंबर है, डिवाइन प्रोटेक्शन का नंबर है। दालचीनी पाउडर में आपने उंगली से लिख लिया है नंबर, थोड़ा फैला लेना है बड़ी प्लेट में, और ऐसे करके आप उंगली से लिख दो, या आप पेन पेंसिल से किसी से भी थोड़ा सा ऐसा लेके, पेंसिल लेके भी लिख सकते हैं। इसको लेंगे और अपनी खिड़कियों की, जो जहां से आपकी खिड़कियां होती सब जगह ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा फैला देंगे, दरवाजे पे भी आपको ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे मतलब लकीर बना देनी है फैलाकर। कब करेंगे ये, हर न्यू मून पे करेंगे, हर फुल मून पे करेंगे, हर पूर्णिमा पे करेंगे, हर अमावस्या पे करेंगे। क्यों, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है उस समय, अपने प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप ये काम करने का नियम बना ले। आप देखें 2-3 महीने में ही आपको ऐसा लगेगा कि मेरा घर बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, आपका बिजनेस, देखिए होता क्या है, बुरी नजर लग जाए ना, काम धंधा हेल्थ सब कुछ चौपट हो जाता है। तो जब आप ये करने लगेंगे ना, आपको अपने घर में अपने आप ही चेंजेस दिखने लगेंगे, ऐसे करके बस ऐसे करके छिड़क देना है, जहां खिड़कियां हैं खिड़कियों के आसपास लकीर बना देना है कि ये सीमा रेखा बनी हुई है मेरे घर की, इसमें कोई निगेटिविटी आ नहीं सकती। तो ये आपको पूर्णिमा और अमावस्या पे करते जाना है। तो ये हो गई बात प्रोटेक्शन की। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी के लिए भी बताऊंगी पर पहले और चीजें बता दूं, मनी के लिए कई बार बताया भी है इसलिए, मैनिफेस्ट कुछ करना है तो आप क्या करेंगे, आपने दालचीनी ये पाउडर ले लिया हाथ में, ठीक है, अपनी हथेली में आपको ऐसे करके रख लेना है, ऐसे करके आपने हथेली पे ऐसे रख लिया, और ज्यादा सा रख लेना है ताकि आप उसमें कुछ लिख पाए, इस तरह से ले लें, ऐसे करके आपने ले लिया। अब आपकी जो भी विश है उसको मन में रखें कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, यूनिवर्स तक अपनी इस विश को मैं इसके माध्यम से, मैं सिनेमन पाउडर के माध्यम से, हे ईश्वर आपको अपनी इच्छा पहुंचा रही हूं, आपको अपनी विश समर्पित कर रही हूं,
पूरी आप करेंगे, पूरी आस्था है कि आप मेरी विश को पूरा कर देंगे। अब आपने क्या किया, इसमें 1176 नंबर लिख दिया। हाथ से लिख लें, पेंसिल से लिख लें, पतला आएगा पेंसिल से लिखेंगे तो ठीक है, बाकी फैला के ऐसा उंगली से भी 1176। देखिए टोकन लिखना होता है, कोई सुंदर लिखना हो ऐसा नहीं है, आपको टोकन लिखना होता है कि इस नंबर की ऊर्जा भी हमने इसमें दे दी। 1176 नंबर लिखा, उसके बाद विजुअलाइज किया थोड़ा देर कि ये मेरी विश को लेकर यूनिवर्स में जा रहा है और मेरी विश जरूर पूरी हो जाएगी। उसके बाद घर के बाहर खड़े होकर, छत पे खड़े होके, बालकनी में खड़े होके, कहीं भी खड़े होके ये इंटेंशन के साथ कि मैं ये यूनिवर्स में भेज रही हूं और जब ये यूनिवर्स में जाएगा तो मेरी विश वहां तक जाएगी और बहुत जल्दी अब ये विश मेरी पूरी हो जाएगी। तो विश को पूरी करने के लिए फूंक मार के यूनिवर्स में आपको इसको उड़ा देना है। आप देखिए आपकी विश बहुत जल्दी इससे पूरी होगी, क्योंकि दालचीनी एक ऐसी चीज है मैनिफेस्टेशन के लिए ना, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, स्टिक ले लें, स्टिक लेके इस पे नंबर लिख दें 1176 ऐसे करके। 1176 आपने नंबर लिखा, सेम वही प्रोसेस हथेली में रख के इसको दोहराया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको बर्न कर देंगे, इसको जला देंगे आप, ठीक है, इसको जला देंगे, इसका जो ऐश बचेगा उसको फिर यूनिवर्स में आप उड़ा देंगे कि मेरी विश को लेकर अब ये यूनिवर्स में गया और जरूर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये दो चीजें हो गई, आपने प्रोटेक्शन हो गया, आपने मैनिफेस्ट भी कर लिया। अब हम आते हैं, अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे घर में मनी की वाइब्रेशंस अपने आप रहें और हर तरफ से पैसा मेरे घर में आना शुरू हो जाए, तब फिर आप क्या करेंगे, देखिए तब फिर आपको थोड़ा सा फायर का यूज होगा, मैं इसीलिए यहां पर खड़ी थी। देखिए क्या करेंगे हम, जब भी आपको मैनिफेस्ट करना हो मनी को, यानी कि प्रॉस्पेरिटी और मनी को अगर आप चाहते हैं, तो हमने इसमें सिनेमन स्टिक और सिनेमन पाउडर के साथ में लिया है स्मज स्टिक भी। स्मज स्टिक हर्ब्स की बनी हुई होती है, आप सभी लोग जानते हैं। स्मज स्टिक जिन पर है वो स्मज स्टिक यूज करेंगे, जिन पर स्मज स्टिक ना हो परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप उपला यूज करेंगे। उपला क्या होता है, गाय के गोबर का जो कंडा होता है, सब पूजा की दुकान पे मिल जाता है आपको, पैकेट में अच्छा सा मिलता है, ठीक है, तो जो लोग ना जानते हो वो लोग ले लें उसको। तो आप क्या करेंगे, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल करनी है, या तो स्मज स्टिक या फिर उपला। अब आपने क्या किया, अपनी स्मज स्टिक को आपने जला लिया, ऐसे स्मज स्टिक को अपनी ऐसे आपने जला लिया। जब भी आप कोई ऐसे रिचुअल करें, कुछ भी करें, तो मन में हमेशा इंटेंशन हम ये रखते हैं, जो भी काम के लिए आप यूज कर रहे हैं, मुझे चाहिए कि मेरे घर में बहुत पैसा अट्रैक्ट हो, मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। सिनेमन, ये वाला सिनेमन पाउडर आपने लिया, इसके ऊपर आपने ऐसे करके डाल दिया, सिनेमन पाउडर आपने इसके ऊपर डाल दिया ऐसे करके, जितना आपको डालना है उतना डाल दें थोड़ा सा। अब इसकी एक प्यारी सी फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाएगी, देखिए अच्छी सी फ्रेग्रेंस आना शुरू हो गई। घर के मेन डोर से इसको स्टार्ट करें और पूरे घर में इसको ऐसे करके आपको घुमा देना है, हफ्ते में एक बार कर लें, महीने में तीन चार बार कर लें, या आप रोज करना चाहें आप रोज भी कर सकते हैं। पूरे में अपने ये वाला स्मज स्टिक पे ये सिनेमन पाउडर आप चाहें तो बीच बीच में और छिड़कते जाएं और पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखा देना है। पूरे घर में आप ये धुआं दिखाएंगे ना, आप देखेंगे हर तरफ से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आने लगेगी। प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस वर्ड जब यूज करते हैं ना, तो केवल पैसा नहीं होता, खुशहाली होती है और बाकी वो सारी लग्जरीज होती है जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इसको लेकर ये जो सिनेमन जो स्टिक है, इसका जो धुआं है ना, इसको अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही है, इसको पूरे घर में आप घुमा देंगे, निगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव वाइब्रेशंस आपके घर से दूर हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे उनमें भी आराम आएगा, छटनी होने लगेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, साथ में अट्रैक्ट होगा मनी। तो आपको करना क्या है, सिंपली थोड़ा सा बस सिनेमन पाउडर आपको स्प्रिंकल करना है, सिर्फ थोड़ा सा ये स्प्रिंकल करके घर में घुमाइए। रोज घुमा देते हैं ना तो सोने पे सुहागा, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। रोज ना कर पाए तो कम से कम हफ्ते में एक दो बार कर दे, महीने में दो चार बार कर दे, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो साथियों ये है वो रिचुअल जिससे मनी को भी आप अपने घर में कर सकते हैं अट्रैक्ट और ऐसे करके घुमाइए। प्रॉस्पेरिटी हुई, प्रोटेक्शन हुआ, ये सारे इश्यूज केवल सिनेमन स्टिक से अकेले ही सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं शालिनी, आज आपको सिनेमन की मैंने रिचुअल्स बताई है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, प्यार भरा नमस्ते।